अस्सलाम पेवन, दिस इज मी फैजान, वेलकम टू ट्रैवल ऑफ नंबर 30। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ स्काई वेज की वोल्वो बस पे, जो कि स्काई वेज की मोस्ट प्रीमियम बस सर्विस है। वोल्वो पाकिस्तान की सबसे महंगी बस है। तो आज मैं इस्लामाबाद से लाहौर के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ इस बस पे। ये बस जो है 2x1 वाला सिस्टम है, इसके अंदर काफ़ी लग्जरी बस है। तो भी आपको इसका डिटेल भी देता हूँ, वीडियो का अंतर लाभ भी देखिएगा। ये स्काई वेज के टर्मिनल से चलती है, स्काई वेज का टर्मिनल जो कि फैजाबाद में इस्लामाबाद में मौजूद है। मैं फैज़ाबाद बस टर्मिनल पे जा रहा था, तो मैंने रास्ते में ये वाली बस देखी जो कि साइड सिंग बस है, इस्लामाबाद रावलपिंडी में रिसेंटली लॉन्च की है। तो इसका भी रिव्यू आ रहा है मेरे चैनल इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो फैज़ाबाद में स्काईवेज का बस टर्मिनल मौजूद है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये काफ़ी बिजी प्लेस है यहाँ पे, साथ ही आपको मेट्रो का स्टेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे फैसल मौके टर्मिनल मौजूद हैं, बिलाल टावर्स की भी हैं, काफ़ी ज़्यादा बस टर्मिनल्स मौजूद हैं। तो स्काईवेज का जो इस्लामाबाद वाला टर्मिनल है, ये मतलब बाकी भी इनकी जो टर्मिनल्स है, लेकिन ये वाला जो इनका टर्मिनल है वो सबसे ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे साथ ही काफ़ी आपको टक शॉप्स देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो स्काईवेज के टर्मिनल के बिल्कुल साथ ही ये बड़ी शॉप है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो ये सामने इनका टिकटिंग बूथ एंड उसके साथ वेटिंग हॉल है, एंड यहाँ पे साइड पे बसेस खड़ी हुई हैं, जो कि ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब हर टाइप की बस यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे यूटोंग, डावो, वॉल्वो, मतलब काफ़ी बसेस यहाँ मौजूद हैं। तो बस कैसी है उसके व्यूज़ आपको कुछ दिखाता हूँ, वो आप देखें। एंड ये वॉल्वो पाकिस्तान की मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बस है, तो ये आप देखें। इस्लामाबाद टू लाहौर इस बस का फेयर 1400 है, जो कि इस मतलब रूट का एक नॉर्मल फेयर है। तो उस हिसाब से ये बस अच्छी है। ये बस बेसिकली एक कंपनी है टूर्स वाली, चौधरी टूर्स के नाम से उनकी बस है, लेकिन ये स्काईवेज के बस टर्मिनल से चलाते हैं। तो इनके पास काफ़ी बसें मौजूद हैं, ये बसेस रेंट पे भी मौजूद होती हैं। अगर आप इन पे मतलब इनको बुक करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनका नंबर दे देता हूँ। सो बस की रवानगी का वक्त हुआ चलता है, चलें चलते हैं बस की तरफ। यहाँ से इस्लामाबाद से ये वाली बस चलती है 12 बजे। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो फैज़ाबाद बस टर्मिनल से 12 बजे ये बस लाहौर के लिए रवाना होती है। ये बस अपने इंजन की वजह से, अपने ब्रेक्स की वजह से, अपने ट्रांसमिशन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलें आपको इनके ड्राइवर का थोड़ा सा इंटरव्यू देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम ये इस बस पे ट्रैवल कर रहे हैं। ये बाकी बसेस से डिफरेंट है थोड़ी? जी बिल्कुल डिफरेंट है जी। वॉल्वो बसेस के बारे में सुना है कि पाकिस्तान की सबसे महंगी बसेस हैं? जी जी, सबसे टॉप पे वॉल्वो। अच्छा, तो इनमें और बाकी बसेस में मतलब इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है कि ये भले लाइफ टाइम है। अच्छा सही। इसके बाद और इसका इंजन बहुत पावरफुल होता है। अभी 12:15 हो रहे हैं, ये वाली बस हमारी अपने टर्मिनल से निकल रही है। तो ये अब नेक्स्ट टर्मिनल पे जाएंगे, जो कि 26 नंबर पे इस्लामाबाद बस टर्मिनल है। यहाँ पे बहुत तरह के बस टर्मिनल्स मौजूद हैं, तो ये आप देख सकते हैं ITC, फैसल, क्यू कनेक्ट, इसके अलावा ब्लो ट्रांसपोर्ट, बहुत तरह के यहाँ पे बस टर्मिनल्स मौजूद हैं। तो यहाँ से मतलब अगर कोई इनके पैसेंजर्स हुए तो वो पिक करेंगे, एंड देन ये फाइनली बस जो है वो इस्लामाबाद मोटरवे पे जाएगी। अभी 12:45 हो रहे हैं, हम इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पे आ चुके हैं। तो बेसिकली बस जो है वो टर्मिनल से 12:10, 12:15 पे निकलती है, लेकिन इस्लामाबाद जब टोल प्लाज़ा ये क्रॉस करते हैं तो आपको मतलब 1:15 आपका टाइम हो चुका होता है। तो ये ऑलमोस्ट आपको 5 बजे ही पहुँचाएँगे।
बस को वैसे तो भेरा सर्विस एरिया पर रोकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पैसेंजर से उन्होंने ड्राइवर को इंसिस्ट किया कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, तो इसलिए यहाँ पे ये कलर कहार के सर्विस एरिया पे भी यहाँ पे 5 से 10 मिनट का स्टे हुआ था उनकी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इस बस का इंटीरियर कैसे है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो सीट्स हैं वो इसमें 34 सीट्स हैं एंड 2x1 वाला सिस्टम है, एक साइड पे एक सीट है, एक साइड पे 2 सीट्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये जो सीट्स हैं ये लेदर की सीट्स हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं, सीट बहुत कम्फर्टेबल हैं। तो ये ब्लैक एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल सीट्स हैं। जो ये सिंगल वाली सीट्स होती हैं वो पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड यहाँ पर आपको इनकी सीट्स में दोनों साइड पर ये आर्मरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है हमेशा बस की लिए। बैक साइड पे 4 सीट्स हैं एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब बस इसमें फुटरेस्ट भी मौजूद है। एंड अगर आप सीट्स को रिक्लाइन करना चाहते हैं तो ये ऑरेंज कलर का जो बर्डन है सीट के साथ उसके थ्रू आप कर सकते हैं। हर सीट के बैक पे वीडियो ऑन डिमांड सिस्टम भी है एंड इस बस के अंदर LED स्ट्रिप्स लगाई गई हैं, जो कि बस के अंदर एक अच्छा व्यू क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे ये सीट्स के जो नंबर हैं वो इसी की जो विंडोज़ हैं उनके साथ ही लिखे हुए हैं। एंड इन बसेस के ऊपर अभी मतलब ये देख सकते हैं अभी ये रैपर्स भी चढ़े हुए हैं, तो मतलब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं बस नहीं है। तो इस सीट के बैक पे आपको दिखाता हूँ क्या क्या मौजूद है। तो इस सीट के बैक पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एक छोटी सी बास्केट मौजूद है, उसके बाद नीचे फुटरेस देखने को मिल जाता है एंड उसके ऊपर वीडियो ऑन डिमांड सिस्टम है, साइड पर एक कप होल्डर है। तो बस की जो सीट्स हैं उनको अगर मैं रेट करना चाहूँ तो 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। अभी हमारा यहाँ पे भेरा सर्विस एरिया पे 10 से 15 मिनट का स्टे हुआ है, ये आप देख सकते हैं बस यहाँ पे मतलब खड़ी हुई है। तो इतनी ब्यूटीफुल बस है ये वाली एंड कसम से ये पाकिस्तान की सबसे यूनिक बस लगती है, वॉल्वो B111R। ये पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रेयर है, तो इनके पास भी ये स्काईवेज़ के साथ जो जो बस चलाते हैं उनके पास भी एक ही बस मौजूद है। तो लाहौर से अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये 7 बजे निकलती है, इस्लामाबाद से 12 बजे। तो काफ़ी अच्छी बस है, इसको इन्होंने यहाँ पर साइड पर रॉयल क्लास का नेम दिया हुआ है। तो इसके फ्रंट बैक साइड मतलब हर साइड से ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अब रिव्यू करते हैं इनके वीडियो ऑन डिमांड सिस्टम को। तो यहाँ पे इनके नंबर्स भी दिए हुए हैं जो दी टूर्स के, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मूवीज़ मौजूद हैं, इसके अलावा कार्टून्स मौजूद होते हैं, कुरान पाक मौजूद है, जो कि अच्छी चीज़ है। आजकल मुझे 80% बसेज में ये देखने को मिल ही जाता है। उसके अलावा म्यूज़िक है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, मतलब ज़्यादातर इंग्लिश ही म्यूज़िक था। इसके बाद यहाँ से आप USB चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो टैबलेट यूज़ किया गया ये बस पैड की तरफ से आता है, जो कि पाकिस्तान में मोस्टली इसी कंपनी के टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इनका वीडियो ऑन डिमांड सिस्टम भी मतलब अच्छा। बस की सीट्स के दरमियान लेगरूम इनफ था, लेकिन एक ड्रॉबैक जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जो फर्स्ट वाली सीट्स होती हैं 1 और 2, वहाँ पे आपको कुछ साइड पे मतलब मिरर नहीं देखने को मिलता, मतलब आप सीनरी को इंजॉय नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 4:50 हो रहे हैं, हम लाहौर के टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा रश है। बजे से 1 मिनट पहले हम स्काईवेज़ के लाहौर वाले टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं। तो स्काईवेज़ का लाहौर वाला टर्मिनल है ये भी बंद रोड पे मौजूद है बाकी बस टर्मिनल्स की तरह। तो आज जोधी टूर्स एंड स्काईवेज़ की इस बस पर डाल गया, तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा इनके साथ। तो अब फाइनल वर्ड इसके बारे में आपको बताता चलूँ, तो ओवरऑल इनके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इस बस के फेयर के हिसाब से जो इसकी बस की सर्विसेज हैं वो मतलब बहुत अच्छी हैं। 1400 फेयर है, जो कि इस अगर रूट का देखा जाए तो तकरीबन ज़्यादातर बस कंपनी का इतना ही है, मतलब डायवो का, फैसल का और क्यों कनेक्ट का ज़्यादा, बाकी उनका नॉर्मल है। तो उस हिसाब से बस काफ़ी अच्छी है, बस काफ़ी कम्फर्टेबल है। तो रिफ़्रेशमेंट आजकल बंद है, उसके बारे में मैंने इतना मतलब मैंशन भी नहीं किया, वो मतलब जस्ट वाटर ही सर्व किया जाता है।
बेटर। तो बस की सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं, बस काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो एक्सपीरियंस एट एंड मेरा इनके साथ अच्छा ही रहा, मतलब एक आधे ड्रॉबैक से उसके अलावा कोई और चीज़ मुझे बुरी नहीं लगी। तो ज्योति टूर्स का मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, अगर आपने मतलब किसी टूर पर जाना है या कोई कोस्टर बस, डाइवो की बस या वॉल्वो की बस की बुक करनी है, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये टूर्स भी लेके जाते हैं, इनकी बसेज भी हैं, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड थैंक्स वॉचिंग।